नमस्कार। जीवन के किसी भी फील्ड में अगर आपको आगे बढ़ना है ना, तो आपके मन में महत्वाकांक्षा होनी बहुत जरूरी है। आप चाहे किसी भी फील्ड में काम कर रहे हो, चाहे जॉब में हो या चाहे बिजनेस में हो या चाहे किसी भी फील्ड में हो, अगर आपके मन में एंबिशन नहीं है कुछ करने के लिए, तो आप अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे। आप चाहे किसी भी स्टेज पर हो, आप चाहे स्टूडेंट हो, आप चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे आपकी एज 50 हो, चाहे आपकी एज 20 हो या 40 हो, अगर आपके मन में कुछ करने की महत्वाकांक्षा है ना, तो आपकी एज मायने नहीं रहती है। एज तो एक सिर्फ अंक है गिनने का। अगर आपके मन में जोश है, जुनून है और महत्वाकांक्षा है ना कुछ करने की, तो आप कुछ भी कर जाएंगे। लेकिन एक बात आप जरूर याद रखना, जिस दिन आपकी महत्वाकांक्षा लालच में बदल गई ना, उस दिन से आपका पतन शुरू हो जाएगा। महत्वाकांक्षा आपको जीरो से टॉप पर पहुंचा देती है, और जब वही महत्वाकांक्षा लालच में बदल जाती है ना, तो टॉप से आपको जीरो पर भी पहुंचा देती है। अपनी महत्वाकांक्षा को कभी भी लालच में ना बदलने दे। इंसान कभी कभी अपनी महत्वाकांक्षा को लालच में बदल देता है, और वही लालच उसके पतन का कारण बनता है। एक छोटा सा उदाहरण महाभारत में है। दुर्योधन पूरे विश्व में अपना राज चाहता था। वो चाहता था चारों दिशाओं में उसकी सीमा हो और हर जगह उसका ही साम्राज्य हो। यह उसकी एक महत्वाकांक्षा थी। अच्छी बात, यह उसकी महत्वाकांक्षा थी कि वो पूरे विश्व का सम्राट बनना चाहता था और चारों तरफ पूरे विश्व में उसकी सीमाएं फैले और वह सबसे बड़ा राजा बने विश्व का। यह उस दुर्योधन की महत्वाकांक्षा थी। अच्छी बात थी, महत्वाकांक्षा रखना बहुत जरूरी है जीवन में। लेकिन वही महत्वाकांक्षा दुर्योधन की लालच में बदल गई। वो अपने भाइयों को एक थोड़ी सी भी जमीन नहीं देना चाह रहा था। उसके पास इतना साम्राज्य था, फिर भी वो अपने भाइयों को थोड़ी सी जमीन भी नहीं देना चाह रहा था। जब अंत में महाभारत का युद्ध शुरू होने वाला था, उससे पहले भगवान श्री कृष्ण लास्ट अंतिम बार दुर्योधन के पास में संधि प्रस्ताव लेके आते हैं। भगवान श्री कृष्ण दुर्योधन से सिर्फ पांडवों के लिए 5 गांव मांगते हैं। 5 गांव। दुर्योधन के पास में इतना बड़ा साम्राज्य था, उस साम्राज्य में अगर 5 गांव भी वो दुर्योधन दे देता तो उसके क्या फर्क पड़ता। वो 5 गांव कौन से थे पता है आपको? श्रीपत, तिलप्रस्थ, स्वर्णप्रस्थ, पांडुप्रस्थ, व्याघ्रप्रस्थ। ये 5 गांव श्री कृष्ण ने दुर्योधन से मांगे थे। दुर्योधन ने श्री कृष्ण से क्या कहा था? ये 5 गांव तो छोड़ दो श्री कृष्ण, मैं इनको सुई के नोक जितनी जमीन भी इनको नहीं दूंगा। ये क्या था? ये दुर्योधन का लालच था। और भगवान श्री कृष्ण ने उस वक्त भी कहा था कि दुर्योधन, ये लालच तुम्हारे पूरे परिवार के पतन का कारण बनेगा। और बना, पूरे परिवार के पतन का कारण बना। उस वक्त दुर्योधन अगर ये 5 गांव अपने भाइयों को दे देता ना, तो उस दुर्योधन का पतन कभी ना होता। इसीलिए जीवन में एक बात हमेशा ध्यान रखें, अपनी महत्वाकांक्षा को कभी भी लालच में न बदलने दे। जिस दिन आपकी महत्वाकांक्षा लालच में बदल गई ना, उस दिन आपका पतन शुरू हो जाएगा। इसीलिए जीवन में आगे बढ़ने के लिए महत्वाकांक्षा जरूर रखें, लेकिन अपनी महत्वाकांक्षा को लालच में न बदलने दें।